बिहार के स्वर्ण समाज के दिग्गज नेता ने दिया ऐसा बयान, पूरा सिवान में मच गया बवाल। पूरी खबर आपको बताते चले कि सिवान लोकसभा सीट की निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब के समर्थन में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष आशुतोष कुमार सिवान पहुंचे हुए थे, जहां उनके द्वारा लोकसभा क्षेत्र के कई जगहों पर चुनावी सभा किया गया और हिना साहब के समर्थन देने की बात कही गई। लोकसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव का आशुतोष कुमार के द्वारा दौरा किया गया, खासकर भूमिहार बहुमूल्य क्षेत्र में आशुतोष कुमार का कार्यक्रम था। उनके द्वारा साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो स्वर्णों के लिए किए हैं उसी का कर्ज चुकाना है। उनके द्वारा कहा गया कि अगर हिना शहाब सिवान की संसद बनती हैं तो जरूर सिवान का विकास करेंगी। मैं देश का जवान हूं, मुझ पर विश्वास करके हिना शहाब को आप लोग अपना मतदान कीजिए। हमको पूर्ण विश्वास है कि हिना शहाब आप सभी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। आशुतोष कुमार के साथ बिहार के कई दिग्गज नेता भी दौरा कर रहे थे। बताते चले कि आशुतोष कुमार जहानाबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी सिवान में आकर उनके द्वारा हिना शहाब के पक्ष में वोट मांगना पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया है। वो सभी को लेकर चलते हैं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष आशुतोष कुमार के पास, उनके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है आगे वीडियो में खुद सुन लीजिए। के समक्ष एक बढ़िया मौका है, एक अच्छा मौका है, एक अच्छा प्रत्याशी जो किसी दल के दलदल में नहीं है, जो निर्दल है, जो आपके सिवान की बेटी है, जिनका परिवार आपके लिए संघर्ष किया है और आगे भी संघर्ष करने का वादा कर रहे हैं, वैसे प्रत्याशी हिना साहब को 13 नंबर क्रमांक पर टेम्पो छाप बटन पर जीत दिलवाकर संसद भेजने का काम करेंगे।